आज के दौर में नौकरी की जगह युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही सपना विदिशा के रहने वाले प्रिंस जैन ने भी देखा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि बिजनेस के लिए पैसे का जुगाड़ कैसे करें। ऐसे में प्रिंस का एक ही दोस्त उसके लिए मुसीबत का हल लेकर आया। प्रिंस का यह दोस्त यूनियन बैंक में अधिकारी है। उसने बताया कि शिवराज सरकार में युवा अपना खुद का रोजगार शुरू करे, इसके लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। प्रिंस ने इस योजना के तहत आवेदन किया और उन्हें 5 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ। इस राशि से उन्होंने अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू किया और अब वो हर महीने 50 से 60 हजार रुपए कमा रहे हैं। मेरा नाम प्रिंस जैन है और मैं यहाँ भरीपुरा का रहने वाला हूँ, विदिशा से। मैं अपने माननीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी एक जो योजना चलती है उद्यम क्रांति से, उससे उन्होंने मेरे को लोन दिया और मैं वो लोन के थ्रू अपना बिजनेस को आगे बढ़ा पाया, ग्रो कर पाया। और मैंने पहले बी फार्मेसी किया था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को आगे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मेरे एक मित्र हैं, वो अपनी बैंक में मैनेजर हैं यूनियन बैंक में, उन्होंने सलाह दी मेरे को आप लोन ले सकते हैं। तो मेरे को 5 लाख का उन्होंने लोन दिया और इससे मेरे बिजनेस में मैंने पैसा लगाया और उससे मेरे को बहुत ग्रोथ मिली है और आज मैं कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ आराम से कमा लेता हूँ। मैं इसके लिए मामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ही सबकी सपोर्ट आगे करते रहें और सभी ऐसे ग्रो करते रहें। वी फार्मा करने के बाद प्रिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नौकरी करें या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। शिवराज सरकार की इस योजना ने उनकी दुविधा को खत्म कर दिया। सरकार की गारंटी पर मेरे लोन ने उनका कारोबार तेजी से बढ़ा दिया है। प्रिंस का मानना है कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी लोन देकर मदद नहीं करते तो शायद आज 10 से 12 हजार रुपए की जॉब ही करते रहते। और मैं माननीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी एक योजना के तहत मेरे को लोन मिला है और उससे मैं मेरे बिजनेस को ग्रो कर पाया हूँ आगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा सभी से कि जो भी युवा पीढ़ी है वो जॉब की तरफ ना भाग के ये अपनी जो योजनाएँ चलती हैं इसकी जानकारी लें और एमपी ऑनलाइन में जाके जानकारी लें और इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएं आप। तो मेरा कहना यही है कि युवा पीढ़ी जॉब की तरफ ना भाग के बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और कुछ अच्छा करने की सोचें और आगे बढ़ें अपने जीवन में। धन्यवाद। प्रिंस ये भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं को उसे योजना के लाभ मिल रहा है। वो युवाओं को यह भी संदेश देना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ लेकर आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। यहाँ नौकरी में आपको 8 से 10 हजार रुपये मिलते हैं, वहीं बिजनेस कर आप 50 से 60 हजार रुपये महीने आराम से कमा सकते हैं।